नमस्कार, पीडी न्यूज दवी जुबा की दास्ता में आप सभी का स्वागत है। बराड़ी थाना क्षेत्र के वैसा गोविंदपुर पंचायत के चिकनी बहियार स्कूल में आज एक बेहद ही शर्मनाक मामला सामने आया है। बताते चले कि स्कूल के शिक्षक मंसूर आलम आज सुबह को एक 9 साल की बालिका के साथ जबरन यौन शोषण करने की कोशिश में पकड़े गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी शिक्षक मंसूर आलम को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी और एक कमरे में बंद करके पुलिस को खबर कर दी। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों का ऐसा रवैया रहा तो लोग बच्चे को कैसे स्कूल भेजेंगे। कटिहार से ब्यूरो अमित सिंह के साथ तौहीद मुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई रास्ता नहीं हमने दिखाया। मन से देखे सर, क्या बोले आपको? सर बोले कि झाड़ू लगाने के लिए। उसके बाद फिर क्या बोला आपको? झाड़ू लगा के गए घर में और इसमें जी तब वो फिर पकड़ के दाबने लगा शरीर और चुम्मा लेके मेरा दांत काटने लगा। अच्छा, अच्छा। और 10 रुपया देने लगा और मंसूर से। अच्छा, कल से भी और आज भी। अच्छा, चलिए चलिए, हो गया। चलिए अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो पर्सनल है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से जितना ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैटर यही है कि लड़के के साथ छेड़खानी किया है, ठीक है, एक शिक्षक होकर के जो है कि छेड़खानी किया और एकांत में रूम में बुला करके बोला कि झाड़ू लगा दो। झाड़ू लगाने के क्रम में जो है ना कि जो है उसके साथ जो है कि गलत व्यवहार किया। क्या नाम है मास्टर का? मास्टर मंसूर नाम है। मंसूर नाम है, मंसूर आलम जी। कौन सा गांव है, कौन सा ग्राम है? ये चिकनी है। चिकनी है, हाँ। मंसूर आलम कहाँ का? वो गिरवा का है। गिरवा का है, हाँ। उनकी झाड़ू लगाने के इसी कारण से बुला के छेड़खानी किया, हाँ।